नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बायोलॉजी के लिए बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं जो हमें बार बार याद करना पड़ता हो, जिनके याद करे बगैर हमारी बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होती है। और ऐसे चीज है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम होता क्या है भाई? आपने देखा होगा, आपने अपने आसपास के बच्चों के नाम सुना होगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपने आसपास बच्चों के नाम सुना होगा, कोई किसी को डब्बू बोल देता है, कोई किसी को पप्पू बोल देता है, कोई किसी को गप्पू बोल देता है। ये कैसे नाम है? ये नाम साधारण नाम है। क्या बच्चा इसी नाम से स्कूल में जाना जाता है? नहीं ना। उसके लिए, स्कूल के लिए बच्चों का एक अपना पर्टिकुलर नाम होता है और यही पर्टिकुलर नाम के द्वारा वह सारे स्कूल में इसी नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव जगत में होता यह है कि नामकरण दो प्रकार से की जाते हैं। पहला साधारण नाम, जो किसी एक लक्षण के आधार पर होता है, और दूसरा वैज्ञानिक नाम, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नॉमनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नॉमनक्लेचर के द्वारा जो नाम दिया जाता है वही नाम साइंटिफिक नेम कहलाता है। तो चलिए जानते हैं आज बहुत सारे एनिमल्स के सरल तरीके से साइंटिफिक नेम। तो चलिए देखते हैं आज हम पहले जंतु का नाम। ये एक ऐसा जंतु है जो बहुत ही वफादार होता है। वफादार? अरे अरे, बिल्कुल आपने सही पहचाना भाई। जंतु जगत में वफादार केवल एक ही होता है और वो है आपका पालतू डॉगी। और पालतू डॉगी बड़ा फेमिलियर होता है। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कैनिस फैमिलियरिस। ये है मौसी। अरे हमारी बिल्ली मौसी बड़ी चटोरी होती है। आपने कोई सामान खुला छोड़ा नहीं, दूध खुला छोड़ा नहीं कि पूरा का पूरा चट कर जाती है। बड़ी नटखट भी होती है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम भाई? घरों में रहती है, डोमेस्टिकल एनिमल है। इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा आसान है और इसका बड़ा वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। यह है आपके घर में पाया जाने वाला एक ऐसा जंतु जो पालतू तो नहीं है परंतु पालतू जैसा ही है। आपने इसे जरा खुला छोड़ा नहीं कि ये पूरे के पूरे कपड़ों को चट कर जाता है, कुतर कुतर के पूरे कपड़ों को नाश कर जाता है। और ऐसा कौन सा जंतु है भाई? बिल में रहता है। और इस जंतु का नाम है चूहा। चूहा? चूहा का वैज्ञानिक नाम? चूहा का वैज्ञानिक नाम है रेटस 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 रेटस। मिलो, ये है हमारी माता, गौ माता, जिसका दूध अमृत के समान है। अरे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, भाई गाय का दूध सफेद क्यों होता है? अरे सफेद नहीं होता, हल्का पीलापन लिए हुए होता है। क्यों भाई, क्या कारण है? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन की वजह से गाय का दूध जो है हल्का पीलापन लिए हुए होता है, सफेद होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? बॉस
इंडिकस। इनसे मिलो, ये है पक्षियों का कोतवाल। पहले जमाने में होता ये था कि ये कहीं जानवर मरा नहीं, कि ये काव काव करके गिद्धों को बुलाना शुरू कर देते थे। काव का, अरे कौवा भाई, श्राद्ध के समय में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा है पक्षी है। प्यारा सा है पक्षी है कौवा, और इसका वैज्ञानिक नाम है कार्बस स्प्लेंडेंस। कार्बस स्प्लेंडेंस। इनसे मिलो, ये है छोटी सी चिड़िया। ऐसी चिड़िया आज जो संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में शामिल होने की कगार पर है। इस चिड़िया की वजह से हमारा घर लगातार चहकता रहता था, परंतु हम जब से सीमेंट के मकान में रहना शुरू किए हैं तब से इसे अपना आश्रय स्थल नहीं मिलते। साथ ही मोबाइल टावरों की वजह से भी यह अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। घर चिड़िया, घर चिड़िया, अरे गौरैया, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैसर डोमेस्टिकस। इसका वैज्ञानिक नाम है पैसर डोमेस्टिक। भाई इनसे मिलो, ये है पक्षियों के राजा। पक्षियों का राजा, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत कह दिया। ये है हमारा नेशनल बर्ड, संकटग्रस्त प्रजाति है, लेकिन इसकी आवाज इतनी मधुर होती है और कि हम कह नहीं सकते। जब यह बरसात के मौसम में नाचता है तो एक रंग बिरंगी छटा उकेर देता है, और यह हमारा नेशनल बर्ड। है पाओ क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस। अरे इनसे मिलिए, यह है ग्रामीण क्षेत्रों की शान। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे रोजगार के लिए पाला जाता है, और सुबह सुबह हम इसी की बांग सुनकर जो है उठते हैं। ये है मुर्गी, मुर्गा, जिसका नाम है गेलस गेलस, गेलस गेलस। चलिए इनसे मिलिए, इनसे सभी डरते हैं, लेकिन भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय है, उनके गले का हार है, जिसके एक बाइट जो है पल भर में लोगों की जान ले लेती, इतना खतरनाक है, पर है बहुत ही प्यारा, और बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसका नाम? सांप? कौन सा? नाग, कोबरा, नाजा नाजा, नाजा नाजा इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका है नाजा नाजा।